नमस्कार आफ्टरनून. मेरे ख्याल से जिस तरह की मैं फिल्में बनाता हूँ, जिस तरह का एक माहौल होता है, मुझे डेफिनेटली ये है कि मैं जैसे मध्यम वर्ग से आया हूँ और हमेशा इंस्पायर रहा हूँ कि रियलिटी से जुड़ा हुआ हो. और चांदनी बार के बाद जो रुख बदला लोगों का, क्रिटिक्स का, ऑडियंस का, उसके बाद मैंने एक अपनी खुद की जो एक लाइन ऑफ सिनेमा पकड़ ली, जैसे पेज थ्री हुआ, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, कॉर्पोरेट हो गया. तो मुझे लगा कि कैलेंडर का एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा इशू है. ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ग्लैमर वर्ल्ड में कई चीज़ें आती है, बहुत भव्य है वो. और मेरे ख्याल से जो मैं दिखाता हूँ बहुत ही चीज़ें हमें सेंसर भी करना पड़ता है, हमें लोगों को मैंने हमको कई सीन्स को, कई चीज़ों को उसको मॉडरेट करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है. आई फील द होल कॉन्सेप्ट. मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट सुने. आई थिंक ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्क्रिप्ट सुनते हो और उसको जीरो डाउन करते हो. बट 5-6 स्क्रिप्ट सुनने के बाद, काफ़ी स्क्रिप्ट में काफ़ी बड़े स्टार्स भी थे मधुर जी के जो स्क्रिप्ट थे, लेकिन इस स्क्रिप्ट में कुछ नयापन था. जैसे आजकल बहुत लोग हैं जिनको ये फिल्म इंडस्ट्री में आना है, बॉलीवुड में आना है, इस प्लेटफॉर्म में आना है, लेकिन उनके साथ क्या होता है? क्या उनको वो सब कुछ मिल जाता है, या उसके लिए उनको किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है? और ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक मधुर विल डू दिस फैंटास्टिक. इट इज़ हिज परफेक्ट कप ऑफ टी एंड वी शुड गिव इट टू हिम. एंड दैट्स हाउ आवर न्यू, दैट्स व्हाई दीज फ्यू 5 न्यू फेसेस. इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली लिए, मैं कहूँगा कि नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, बल्कि जब मैंने आपको कहा कि 75% सही है, सच्चाई है, हकीकत है, तो मैं कहूँगा कि नहीं तो गलत होगा. डेफिनेटली इंस्पायर है, कहीं लोगों से इंस्पायर है, कहीं जो एक्स कैलेंडर गर्ल है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की, कहीं गुमनामी के जगह में वो चले गई है कई लड़कियाँ. तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, क्योंकि हर साल देखता है एक प्लेटफॉर्म होता है, एक साल के लिए जो कैलेंडर गर्ल होती है उसका जो फेम रहता है, जब दूसरे साल दूसरी लड़कियां आती हैं तो उसका फेम खत्म हो जाता है. तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में अच्छी बात है कि एक साल के बाद ये लड़कियों का होता क्या है, कहाँ चले जाती है गुमनामी में, या कहीं कहीं ऐसी लड़कियाँ मुझे मिली जिन्होंने प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, मॉडलिंग वर्ल्ड चेंज कर दिया, या कैलेंडर गर्ल जो थी अलग दुनिया में चली गई. तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग था. रिलक्टेंट थे कई लोग जो बात करने के लिए इनिशियली, लेकिन जब उनसे बातचीत करके मैंने उनसे बात निकाली तो मुझे अच्छा लगा. और मेरे ख्याल से, और ये फिल्म मैं कहूँगा बहुत ही इमोशनल जर्नी है, 5 लड़कियों की जो कहानी है, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से आती है, किस तरह जुड़ती है और एक साल के प्लेटफॉर्म में उनके साथ क्या क्या होता है, ये वो सच्चाई दिखाती है. सच्ची बात ये कि ये कैलेंडर भी जो है गर्ल का सब्जेक्ट भी मेरे को विजय माल्या के वहाँ से आया है, क्योंकि वो हर साल मुझे कैलेंडर भेज देते हैं. उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है. मैं जैसे कहा कि वो हर साल एक कैलेंडर मेरे को भेजते हैं और कई साल से कैलेंडर पड़ा हुआ था. तो एक दिन जो मेरा जो बॉय है जो ऑफिस में साफ़ करा था, उसने वो कैलेंडर ला के मेरे सामने रखा, 5 साल का. बोला सर इसका क्या करना है? तो मैंने बोला रख देना किधर भी यार. फिर आई डोंट नो, इट वाज, जब मैंने पन्ने उसके पलटे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियां गई कहाँ, क्योंकि उसके नीचे हर लड़की के फोटो के नीचे उनका नाम होता है. तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा कि लड़कियां गई कहाँ और क्या हुआ इन सब का. कि जो 99% जो है होता है रेशियो, उसका सक्सेस नहीं होता है. मेरे ख्याल से 0.0 जो होता है उसका एक जो होता है 1%, आधा परसेंट मैं कहूँगा, जो सक्सेस होता है या मॉडल बनती है, एक्ट्रेस बनती है. तो मुझे वहाँ से एक जो इंट्रीग पॉइंट मिला के पिक्चर बनाने के लिए. सेंसर ऑल्सो व्हेन दे सॉ द फिल्म दे अप्रिशिएटेड अ लॉट. दे सेड कि बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर अ यूएस सर्टिफिकेट, बिकॉज आई वांटेड टू एवरी पीपल वॉच शुड वॉच द मूवी, स्पेशली द यूथ ऑफ द कंट्री. बट वेन दे ऑल्सो टोल्ड मी ऑफ द सेकंड वीविंग, आई मीन टू से विद द रिवाइजिंग कमिटी, दे सेड कि मधुर प्लीज डोंट डाइल्यूट, डोंट बुचर योर फिल्म, बिकॉज दे लव द फिल्म. और 12 पीपल वर इन द पैनल. सो आई डिडंट वांटेड टू डाइल्यूट दैट रियलिटी और हार्डकोरिज्म और द टाउटनेस ऑफ द फिल्म which is very much there. But now, obviously, you all see the film and then decide. The journey of these 5 girls, you know, they're so inspiring to be models and they become calendar girls. It's not very easy. They travel, they work so hard, they keep their fitness. They are so educated. They come from different family backgrounds, jo itna easily har family isko nahi leta hai. तो उसमें से जब ये कैलेंडर गर्ल बनती है और फिर वो क्या प्रोफेशन में जाएगी, उनको लगता है यहाँ ये अब तो ये आसमान हम छू लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बहुत बड़ी उड़ाई, ऊंचान
उड़ लेंगे. बट क्या ऐसे होता है और ऐसा करने के लिए उनको क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है? बट आई लाइक वन थिंग वेरी गुड अबाउट द एंडिंग. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट, डेफिनेटली नॉट. बट इट शोज द बोल्ड वुमन. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ यूजुअल मधुर भंडारकर फिल्म. यू नो, इट इज़ गोइंग टू शो लाइक अ वुमन हाउ आई एम फाइटिंग माई लाइफ. इट शोज हाउ दीज गर्ल्स in this glamour world fight their life and they are going to succeed and they are happy with what they are doing. So it gives you that whole thing ke how you choose it. So it's not about depression, it's not about bikini, it's not about sex, it's not all that crap. It but is something very evolutionary. This movie required newcomers because when you see the calendar girls also in real life, I mean to say the any calendar, so it always has a new girls only and then they become model or supermodel or become Bollywood star. So this film required girl next door. That image of girl from Rohtak or girl from Goa or from Kolkata, it's relate to it completely. Okay, you can connect with it. Yeah, okay, this is a girl I can see. If I would have taken a big star or a big actress, it would not got a connectivity nahi hoti. And Calendar Girls is a platform of new girls, newcomers only. And that's why. And obviously, I wanted to make the film in a budget. Well, actually, I'm from Kolkata. I'm Bengali and I've been a calendar girl myself. I did the Kingfisher calendar 2013. And right after that, I got this film and I think I'm Destiny's Child, you know. And I think this movie just came to me because I did the calendar and the movie's called Calendar Girls. So yeah, I think it was meant to be. And I'm really happy because I got a dream director to work with, Mr. Madhur Bhandarkar, a wonderful producer and some amazing co-stars. So I'm taking back really great memories with me. और वर्किंग विद मधु जी, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि जिस भंडारकर एंटरटेनमेंट में काम करने के लिए बाकी एक्ट्रेसेस को सुपरस्टार बनना पड़ा, वहाँ पे हमें हमारा डेब्यू फिल्म मिल रही है. फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv.